अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्रैनबेरी न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं अब्दुल अजीज, क्रैनबेरी न्यूज़, हैदराबाद। सैयद नगर इलाका न्यू ऑक्सफर्ड स्कूल में वुमेन्स डे मनाया गया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैयद नगर न्यू ऑक्सफर्ड स्कूल के तलबा ने आज वुमेन्स डे के मौके पर अपनी खुशी इजहार करते हुए अपना टैलेंट बताया। काफी सारे प्रोग्राम्स अमल में आए। ये प्रोग्राम मोइन सर और उनके स्टाफ की जानिब से अमल में आए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी काउंसलर आयशा रुबीना, माजिद हुसैन, महमूद इंजीनियर और वहाँ के मुकामी लीडर सादिक ने शिरकत की। शेख वाहिद के साथ मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम और उसके हबीब के बाद के सबसे में ऑक्सफर्ड स्कूल एसएससी का आज फेयरवेल मनाने जा रहा है। इसमें आनी जनाब मिस्टर माजिद हुसैन साहब, साबिक मेयर, कॉरपोरेटर ऑफ मेहंदीपट्टनम डिवीज़न, आयशा रुबीना मैडम कॉरपोरेटर ऑफ अहमदनगर डिवीज़न, और आर आरिफुल्ला साहब सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट प्रिज्म एक्सेलेंस ऑफ स्कूल, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में फिरदौस भाई साहब अहमदनगर डिवीज़न एंड महमूद हुसैन साहब इंजीनियर, को ऑप्शन मेंबर एआईएमएम मसलांसर एंड सादिक भाई साहब, सादिक भाई एआईएम लीडर सैयद नगर टू एंड एम ए गफ्फार एआईएमएम लीडर सैयद नगर वन, और उस्मान साहब लीडर अपसाइड एंड और मेहमान अदर रिलीफ हॉस्पिटल अजमतुल्ला खान साहब, ये सारे मेहमान आके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ब्लेसिंग दिए और एसएससी की शुभकामनाएं दिए उन लोग को, और उनकी दुआएं दिए, और उनके वालिदैन को कुछ एसएससी के बाद क्या कराना कुछ अपनी तरफ से नसीहतें दिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम अच्छी तरह चला, और इस प्रोग्राम के अंदर नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी अपने सीनियर्स को अपने सांग के ज़रिए, गाने के ज़रिए उनकी हिम्मत अफजाई किए, और माशाल्लाह सुबह 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, अभी 3 o'clock होने आ रहे हैं। सब अपने सीटों पे जहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं, और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हमारे सैयद नगर के हीरो शहबाज खान साहब आके भी हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट करें। तो मैं ये तमाम लोग का मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ पर आके हमारी हिम्मत अफजाई करे, और साथ ही साथ क्राइम टुडे के रहमत साहब और उनकी टीम, जैसे वाहिद है और हमारे यूनुस साहब, ये भी हमारे बच्चों की बैठ के हिम्मत अफजाई करें। मैं ये लोग का भी मशकूर हूँ और हमारे पेरेंट का मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखता हूँ ये तमाम लोग का ताउन हमारे स्कूल के साथ रहे, और हमारा स्कूल हमेशा ये लोग की नज़रों में रहे, ये लोग की सरपरस्ती में रहे। हमारे टीचर्स और हमारे सर ये लोग के लिए काफ़ी मेहनतें करें। अब हम आपसे और जितने भी क्राइम टुडे के व्यूवर्स हैं उनसे अपील करते हैं, ये हमारे बच्चों के हक में दुआ करें, ये स्टेट रैंकर निकले और इनकी ज़िंदगियों में तरक्की आए और इनकी कामयाबी इनके कदम चूमें, ये हमारे क्राइम टुडे के व्यूवर्स से ख्वाहिश है। वो अपनी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ ऑक्सफर्ड स्कूल में फसलान सर अहमदनगर एरिया में मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि काफ़ी यहाँ के लोग एंथुजियास्टिक है, और यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत एंथुजियास्टिक है, और मोइन सर की भी बहुत मेहनत है कि यहाँ की तुलबा और तालिबा बहुत मेहनत करती हैं कुछ अचीव करने के लिए। मैं यहाँ के लड़कियों से एक ही बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जितनी वो मेहनत करेंगी, जितना अपने आप को एजुकेट करेंगी, उतना ही वो लोग आगे जाएंगी। और हमारे पास एक ही मौका है, एक ही तरीक़े से हम हमारी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो है तालीम। तालीम के ज़रिए हम लोग लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो काम करें ना करें मगर तालीम में आफ्ताब होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक लड़की का पढ़ना मतलब पूरी फैमिली का पढ़ना है। तो मैं आज पूरी सभी लड़कियों को और यहाँ के प्रेजेंट जो टीचर्स हैं उनको भी वुमेन्स डे की मुबारकबाद देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स से सभी लड़कियाँ पास हैं।
सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।